हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई विश यू आर ऑल वेल। फार्मेसी रियल स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उनके सारे रूल्स और स्ट्रक्चर समझाए थे, और जिन स्टूडेंट ने वो रूल्स और वो स्ट्रक्चर पूरे देखे हैं उनमें से ही किसी स्टूडेंट ने कुछ स्टूडेंट ने हमें कुछ स्ट्रक्चर के नेम फॉरवर्ड किए हैं जो कि उस वीडियो में नहीं समझाए थे मैंने। मैं इनको फ्यूज्ड रिंग में समझाने वाली थी, बट स्टिल जिन स्टूडेंट को इन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम जा रहा है उनको मैं अभी समझा देती हूँ। और फ्यूज्ड रिंग का स्ट्रक्चर, फ्यूज्ड रिंग कैसे बनाई जाती है, उसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आइए देखते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिए हुए हैं। देखिए, पहला स्ट्रक्चर है हाइड एंड टोइन। पहला स्ट्रक्चर है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इमिडाजोलिडीन बना लेना है। इमिडाजोलिडीन क्या होता है? इमिडाजोलिडीन होता है 1 और 3 नंबर पे नाइट्रोजन एटम विद 5 मेंबर रिंग और विदाउट बॉन्ड, इसको इमिडाजोलिडीन बोला जाता है। हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ ये वाला 4 है और यहाँ पर 5 है। देखिए, ये सैचुरेटेड नहीं है, ये सेटिस्फाइड हो गए हैं। हमने इनको सेटिस्फाइड कर दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं। आप ये बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सेटिस्फाइड हो गए हैं नाइट्रोजन, देखिए लगाना बिल्कुल ना भूलिए, इनको लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन, जो आपको एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा है 2 और 4 नंबर पर, ये एक्चुअली ऑक्सीजन एटम नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप क्या होता है मैं आपको बना के बता देती हूँ। देखिए, कार्बन पर एक ऑक्सीजन लगा होता है और यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये होता है कीटोन ग्रुप, ठीक है। आपको यहाँ कार्बन और ये ऑक्सीजन दिख रहा है और ये ग्रुप जो हुए ग्रुप्स भी दिख रहे हैं आपको, ये कीटोन ग्रुप है। और ये हाइड्रेंटोइन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम के साथ काम करते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। अब ये हाइड्रेंटोइन स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो यहाँ पर देखिए, ये एक कीटोन ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, और एक कीटोन ग्रुप यहाँ पर है। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एटम नहीं है। 12वीं टॉरिक में हम इसको पढ़ेंगे तो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर है। अभी देखिए, ये जो है ये पूरा एक ग्रुप है, कौन सा? कीटोन ग्रुप। और ये वाला जो है वो भी एक कीटोन ग्रुप है, तो इसमें 2 कीटोन ग्रुप है। ये ऑक्सीजन एटम की जगह पे कीटोन ग्रुप है, ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए, हम सबसे पहले ये ग्रुप ले लेते हैं। देखिए, अगर ये एटम होते अगर ये ऑक्सीजन एटम होते तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते ना पहले, क्योंकि इस ऑक्सीजन की कंसिडरेशन फर्स्ट होती है, ठीक है। तो लेकिन हमने इसको यहां से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, ये तो कीटोन ग्रुप है। तो आइए देखिए नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है, कैसे ड्रॉ करना है मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। पहले आप एक इमिडाजोलिडीन बना लो, ठीक है, इमिडाजोलिडीन जिसमें 5 मेंबर रिंग आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे 1 और 3 नंबर पे, ठीक है, और बिना और कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। तो इमिडाजोलिडीन बना लिया आपने, यहाँ पर आप 2 ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब हम इसका नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो 2 नंबर पर है एक और एक 4 नंबर पे, तो हम 2 लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर हम इनको हटा दें तो ये इमिडाजोलिडीन है, मैंने आपको एक बार और बोला है इमिडाजोलिडीन, ठीक है, इमिडाजोलिडीन लिख लिया। अब चूंकि 2 कीटोन ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 कीटोन ग्रुप, तो हम लिखेंगे डाय, और जो कीटोन ग्रुप है उसका सफिक्स, जो सफिक्स होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। कीटोन का जो होता है सफिक्स, ठीक है, वो 1 होता है, ठीक है, तो हम यहां पर 1 लिख देंगे। देखो कितना आसान था। इसका IUPAC हाइड्रेंटोइन का IUPAC नेम होता है 2,4-imidazolidine di-1, ठीक है,
आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. बेसिकली एक एक चीज को मैंने कंसीडर किया है, एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से समझाया है. इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है स्ट्रक्चर में जिसको मैंने आपको क्लैरिफाई नहीं किया हो, हर चीज क्लैरिफाई की हुई है. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हाइडेंटोइन. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फोर इमिडाजोलिडीन. देखिए फोर इमिडाजोलिडीन को आपको अच्छे से समझने के लिए मैं बेसिकली दो स्ट्रक्चर और उसके साथ पढ़ाऊंगी. देखिए कैसे ड्रॉ करना है फोर इमिडाजोलिडीन को. बहुत आसान होता है फोर इमिडाजोलिडीन, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. सबसे पहले हम इमिडाजोलिन बना लेंगे, सॉरी फोर इमिडाजोलिन पढ़ने वाले हम लोग. तो सबसे पहले हम इमिडाजोलिन बना लेंगे. इमिडाजोलिन क्या होता है, फाइव मेंबर रिंग होती है, वन और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है और एक बॉन्ड लगा हुआ होता है. ठीक है, अब हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री. देखिए इनको सबसे पहले आप सेटिस्फाइड कर दीजिए, ये सेटिस्फाइड नहीं है. नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन की सॉरी वैलेंसी तीन होती है, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव. ठीक है, हमने लिख दिया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. इसको फोर नंबर इसलिए दिया गया है, ये पूरा इमिडाजोलिन है. ठीक है, फोर नंबर इसलिए दिया गया है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड फोर नंबर पर प्रेजेंट है. ओके, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आपको समझ में आएगा. हमने फिर से एक और इमिडाजोल बनाया हुआ है, सॉरी इमिडाजोलिन बनाया हुआ है. इसमें नाइट्रोजन वन और थ्री नंबर पर लगाया हुआ है हमने. अब यहां पर आप देखिए कि हमने ये बॉन्ड यहां से लगा दिया, वन टू थ्री फोर और ये फाइव. आप ये बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड थ्री नंबर पे लगा हुआ है. ठीक है, सैचुरेटेड कर देते हैं, सॉरी इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं, ये नंबर वन. ठीक है, इसमें तो तीन वैलेंसी हो गई ना, एक दो तीन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया. अब देखिए हमने ये बॉन्ड जो है वो तीन पे लगा दिया है. ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा थ्री इमिडाजोलिन. इट्स वेरी सिंपल, इमिडाजोलिन वही है जो है, इमिडाजोलिन बेसिकली इमिडाजोलिन है. लेकिन अगर ये बॉन्ड तीन पे लगा है तो तीन आएगा, चार पे लगा है तो चार आएगा. एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखिए एक नाइट्रोजन यहां लगा दीजिए, एक नाइट्रोजन नंबर वन टू थ्री फोर और ये फाइव. इसको एच लगा दीजिए, और सॉरी ये नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि हम ना इसका टू पे बॉन्ड लगा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टू इमिडाजोलिन. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है इमिडाजोलिन को समझना. इमिडाजोलिन मतलब क्या होता है, ये नंबर को हटा देंगे. इमिडाजोलिन सबसे पहले आपको बता दूं, फाइव मेंबर्ड रिंग विथ वन बॉन्ड और वन और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन, दैट इज इमिडाजोलिन. ठीक है, अब इमिडाजोलिन में अगर ये बॉन्ड फोर से फाइव नंबर पे लगा है तो फोर आएगा, थ्री से फोर पे लगा है तो थ्री इमिडाजोलिन आएगा, और टू से थ्री में लगा है तो थ्री इमिडाजोलिन आएगा. दैट सिंपल, बहुत इजी था, बहुत आसान था, कुछ भी इसमें टफ नहीं है. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं आइसोक्विनोलिन. देखिए आइसोक्विनोलिन क्या होता है, देखिए इसी से रिलेटेड ये भी है तो मैं पहले इसको समझा देती हूँ. ठीक है, क्योंकि ये ओल लिया है इसने तो ये भी फाइव मेंबर रिंग है, मैं फाइव मेंबर रिंग का ही आपको फिर से पहले समझा देती हूँ फिर आइसोक्विनोलिन समझाती हूँ. देखिए वन थ्री फोर, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो वन है वो थिया के लिए, थिया के लिए रिप्रेजेंटेड है, और थ्री और फोर है वो अजो के लिए है. ओके, फिर से देखिए, ये जो वन नंबर दिया है वो थिया के लिए, और थिया मतलब एस को रिप्रेजेंट करता है. थ्री और फोर नंबर जो दिया है वो अजो के लिए है, अजो मतलब एन, एन को अजो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इतना आपको समझ गया. और ओल है तो फाइव मेंबर रिंग है. ओके, विद टू बॉन्ड हम अभी यहां पर लिख लेंगे. देखिए स्ट्रक्चर में बनाती हूं, देखिए थिया है, थिया को हम पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, मतलब एस सल्फर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, नाइट्रोजन को बाद में दिया जाता है, तो थिया को हम
एस को हम थिया से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस लिख लिया, ठीक है। अब हम अजो लिखेंगे, अजो हम बाद में लिखते हैं, पहले नंबरिंग कर देते हैं। चलिए आपको नंबर समझ में आ जाएगा, 1, 2, 3 और ये 4, और ये इसको हम 5 नंबर देंगे। तो 1 नंबर पर हमने सल्फर लिया है, 3 और 4 नंबर पर नाइट्रोजन है, देखो इतना आसान था। और ओल है तो हम इसमें बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग, देखिए कितना आसान है, थिया और 1 के लिए सल्फर, एस 1 पर, ठीक है। आपको उल्टा करके बताती हूँ, ये स्ट्रक्चर बनाया, अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। 1 नंबर पर एस है तो 1 लिख लेंगे, 3 नंबर पर नाइट्रोजन है तो 3 भी लिख लेंगे, और 4 नंबर पर है नाइट्रोजन तो 4 भी लिख लेंगे। ओके, हमने ये लिखा। अब सल्फर की प्रिफरेंस फर्स्ट होती है, सल्फर को फर्स्ट प्रिफरेंस दिया जाता है, तो हमने थिया लिख लिया, ठीक है। और नाइट्रोजन को सल्फर के बाद में प्रेफरेंस दिया जाता है, तो हमको नाइट्रोजन के लिए अजा लिखना है, ठीक है। लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो हम डाई लिखेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन को हम अजा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अजा लिख लिया। और 5 मेंबर रिंग है विद 2 बॉन्ड्स, तो ओल लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 बॉबल्स हैं, तो एक को हम हटा देंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1, 3, 4 थिया डाई अजोल। देखिए कितना आसान था इसका नाम, बहुत इजी था। 1, 3, 4 थिया डाई अजोल। देखिए आपको थिया डाई अजोल भी लिखने आता है, सिंपल थिया डाई अजोल, तो भी आप यही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और 1, 3, 4 थिया डाई अजोल आप पूरा भी लिख सकते हैं, उसमें दोनों भी सिचुएशन राइट होती है, ठीक है। ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन। देखिए आइसोक्विनोलिन से आप सबसे पहले आइसो ही हटा दीजिए, सबसे पहले आप क्विनोलिन बनाइए, ठीक है। क्विनोलिन में आपने एक बेंजीन रिंग लिया, अब देखिए बेंजीन रिंग ले लिया है, लेकिन इसमें आइसो तो लगा ही हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, आइसो जहां भी लगा हुआ है ना उसमें क्या करना है, आपको उस हेट्रो एटम को, जो हेट्रो एटम आप उसमें जोड़ रहे हो, उस हेट्रो एटम को सेकेंड नंबर की पोजीशन पर लगाना है। यानी आपको नंबरिंग स्टार्ट वहां से करना है, हेट्रो एटम के बिफोर वाले एटम से, पहले एटम से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। देखते हैं, एक आप पाइरिडिन बना लिया आपने, ये पाइरिडिन बना लिया, ठीक है। लेकिन ये हेट्रो एटम जब यहां पे लगाया, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी हेट्रो एटम को जब हम सेकेंड नंबर की पोजीशन में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये आइसो हो जाता है। सेकेंड इस नंबर, इस वाले हेट्रो एटम पर हम 2 नंबर देते हैं। यहां से अभी तक हम रूल्स में क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो हेट्रो एटम है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हेट्रोसाइकिल की कंडेंस कैटेगरी में, कंडेंस कैटेगरी जो होती है उसमें ये आइसोक्विनोलिन आता है, ये स्ट्रक्चर आता है कंडेंस कैटेगरी में, उसमें हम नाइट्रोजन को 2 नंबर पर लिखते हैं, किसमें, आइसोक्विनोलिन में। और जब इसको 2 नंबर पर लिख दिया तो ये ऑब्वियसली आइसोक्विनोलिन हो जाएगा। 4 और 5 मेंबर की दोनों भी रिंग में जहां आइसो लगा है उसको आपको 2 नंबर देना है, ठीक है, उसको आपको 2 नंबर पर रखना है। यानी आपको फिर नंबरिंग वहां से स्टार्ट नहीं करना है जहां पर हेट्रो एटम लगा है, आपको कहां से स्टार्ट करना है, उसके बिफोर वाले एटम से, बिफोर वाले कार्बन एटम से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो आप यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये आपने लगा दिया, यहां पर आप बॉन्ड लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। देखिए कितना आसान था, एक कंडेंस कैटेगरी होती है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये टेक्निकली बहुत रेयरली यूज होती है, लेकिन नेचुरली उसका यूज होता है। एक कंप्रेस जो स्टडी होती है, कंडेंस कैटेगरी होती है, नेचुरली और कॉमर्शियली ये यूज होता है क्विनोलिन। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मेंबर रिंग में भी जहां पर आप आइसो पढ़ोगे तो वहां पर आपको सेकेंड नंबर की पोजिशन पर ही हेट्रो एटम पुट करना है। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बारबिटूरिक।
बारबिट्यूरेट, ठीक है। अब देखिए बारबिट्यूरेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बारबिट्यूरेट के स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप पाइरीमिडाइन बनाइए। सबसे पहले बारबिट्यूरेट का आप स्ट्रक्चर बनाने बैठ रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें पाइरीमिडाइन बनाइए। तो पाइरीमिडाइन क्या होता है, वन और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सिक्स मेंबर रिंग में। ओके, सिक्स मेंबर रिंग में वन और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम पाइरीमिडाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले सेटिस्फाइड कर दीजिए, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने नंबरिंग स्टार्ट नंबर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन एटम जोड़ेंगे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम आएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन आएगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड दैट इज अ 6, ठीक है। इतना हमने बना लिया है, ठीक है, अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं लगाया है। अब हर चीज को बहुत आसानी से आपको इसको नॉमेनक्लेचर करना है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ बारबिट्यूरेट बनाना है। तो सबसे पहले आप पाइरीमिडाइन बनाएंगे। सबसे पहले पाइरीमिडाइन बनाने के बाद 2, 4 और 6 नंबर पर ऑक्सीजन के एक एटम जोड़ देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन को सेटिस्फाइड करना बिल्कुल ना भूलें, इनके जो इनकी वैलेंसी 3 होती है तो एक और हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर लगाएं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को नंबरिंग करेंगे। देखिए 2, क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट प्रेफरेंस होता है इसलिए हम ऑक्सीजन पे नंबरिंग करेंगे। 2, 4, 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है, कॉमा लगा देंगे, यहाँ डैश लगाएंगे। ऑक्सीजन एटम है, देखिए अगर ये रिंग में होते तो उनका नंबरिंग हम ऑक्सीजन से करते, लेकिन ये रिंग के बाहर है तो हम इनका नंबरिंग अगर ये यहीं पर जुड़ा होता तो हम यहां से नंबरिंग करते, लेकिन ये रिंग के बाहर बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन एटम तो हम इनकी नंबरिंग एन से करेंगे, ठीक है। आप इनको सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी समझ सकते हैं। देखिए 2, 4, 6 नंबर पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। अब कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। और ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऑक्सा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ट्राई ऑक्सा। इतना समझ में आया कैसा लिखा, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई और ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्सा, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप, ठीक है, अब इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, तो बॉन्ड नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये साइकिल सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड साइकिल को हम कैसे लिखते हैं, पर हाइड्रो। सैचुरेटेड रिंग या सैचुरेटेड स्ट्रक्चर को हम पर हाइड्रो लिखेंगे। अब क्या बचा, जो हमने बेसिकली बनाया था वही पाइरीमिडाइन। इन लगा है इसका मतलब सिक्स मेंबर रिंग है, ओके, इन लगा है तो सिक्स मेंबर रिंग है। देखिए कितना आसान था, 2, 4, 6 ट्राईऑक्सा पर हाइड्रो पाइरीमिडाइन। आई होप सो आपको पांचों स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में, जिनको कुछ प्रॉब्लम जा रहा था वो भी इनको देखें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, उनको बताएं जिनको नहीं समझ में आ रहा हो। और बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जा रहा होगा तो उन स्ट्रक्चर के आप मुझे नेम्स फॉरवर्ड कर दीजिए, नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं उन पर आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। और आई थिंक मैंने बहुत बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।